आज दो मुलाकातें ऐसे होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ ही साथ शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि कजान में दोनों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता संभव है और इसी वार्ता पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है कि क्या इस वार्ता के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। गलवान के बाद दोनों देशों में तनाव की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही तलखी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। कई मंचों पर मोदी और जिनपिंग में मुलाकात नहीं हुई है। 2020 की अगर हम बात करें तब भी मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि आमने सामने जरूर दोनों आए थे। दुनिया को दोनों नेताओं की मुलाकात का इंतजार है। इंतजार इसलिए क्योंकि देखा यह जाएगा कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच क्या दोस्ती का कोई नया आयाम भी लिखा जाएगा। लेकिन क्या सवाल यह भी, क्या चीन पर भरोसा इस मुलाकात के बाद किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है कि आज मिल जाए। तो देखिए, ये महामुलाकात होने वाली है, ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन है और आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आज ब्रिक्स में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत पर टिकी है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात, दुनिया की नजर क्या होगी बात? ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक बातचीत होने जा रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने रूस में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की जानकारी दी। आई कैन कंफर्म दैट देयर विल बी अ बायलैटरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टुमारो 23rd ऑफ अक्टूबर on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा रहे थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की एक तस्वीर भी सामने आई है जो बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की बात करते रहे हैं। रूस ने पहले भी कहा है कि भारत और चीन अपने तनाव दूर कर सकते हैं। पुतिन भारतीय और चीनी नेता को अपना दोस्त बताते रहे हैं और यही कारण है कि उनका जोर दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर रहा है, ताकि ब्रिक्स जैसे मंच को पश्चिम के विकल्प के तौर पर और मजबूत किया जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तलखी बढ़ी है और इसी वजह से इन संबंधों के दुरुस्त होने में समय लगेगा। पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं है। इस एक वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा रहा है। वहीं भारत की डिप्लोमेसी का डंका पूरी दुनिया में बज भी रहा है। तो क्या मोदी जिनपिंग पर भारी पड़ने वाले हैं? वहीं चीन सीमा विवाद पर कितनी नरमी दिखाएगा, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बेहद खास है, लेकिन ये मुलाकात खास क्यों है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि एक तरफ 5 साल के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात होने वाली है जिसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी। LAC पर समझौते के बाद पिघली रिश्तों में जो जमी बर्फ थी वो पिघल गई है, इसलिए इस मुलाकात को माना जा रहा है दोनों देशों के बीच व्यापार के लिहाज से भी। दोनों देशों के बीच करीब 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा है, दोनों देश इतनी सीमा शेयर करते हैं। चीन से लगती है भारत के 5 राज्यों की सीमा,
सीमा, जिसमें उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा शामिल है। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों में दुनिया की करीब 36% आबादी रहती है। दोनों देश ब्रिक्स के साथ SCO के भी सदस्य है, लेकिन इसके पहले कई मंचों पर मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसीलिए अब 5 साल के बाद यानी 2019 के बाद 2024 में जब यह मुलाकात हो रही है, अहम माना जा रहा है। देखिए, 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है, और ये मुलाकात क्यों खास है ये हमने आपको बताया, लेकिन अब ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिर कब कब हुई है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। जुलाई में दोनों की मुलाकात ब्राजील में हुई थी, और इस दौरान भी आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं की जो है बातचीत वो देखने को मिली थी। इसके बाद 2014 में ही सितंबर की हम बात करें तो अहमदाबाद भारत में इनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा अगर हम 2015 की बात करें तो मई 2015 में चीन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, यहां पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद 2015 में यानी कि रूस में ही बातचीत हुई थी, दोनों आमने सामने आए थे और इस दौरान भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसके अलावा हम गोवा की बात कर ले तो अक्टूबर 2016 की बात है, इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। सितंबर 2017 की बात करें तो यहां पर भी यानी कि शियामेन ब्रिक्स सम्मेलन का वो वक्त था जब दोनों ही नेता आमने सामने आए थे, और उस दौरान भी दोनों नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 2018 की बात करें तो इस दौरान आपको बता दें कि चीन में यानी कि चीन के वुहान में दोनों नेता आपस में द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आए थे। जून 2018 की बात करें तो उज्बेकिस्तान SCO समिट था, उस दौरान भी शी जिनपिंग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो ये हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि कब कब यानी कि आज जो ये मुलाकात होने वाली है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कब कब आमने सामने आए, कब कब द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 2019 की हम बात करें तो नवंबर का वक्त था जब ब्राजील में दोनों ही नेता जो है मिले थे, यहां पर भी दोनों मुलाकात करते हुए नजर आए थे। हालांकि आज की मुलाकात कई मायनों में इसलिए खास बताई जा रही है क्योंकि 5 सालों के बाद ये मुलाकात और जो तलखी बीते 5 सालों में देखने को मिली है, इसके बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और महत्वपूर्ण भी है। और अब आपको कजान ब्रिक्स समिट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, ये कल दिन भर हुए ब्रिक्स समिट के दौरान की अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की चर्चा यहां पर लगातार हो रही है, भारत चीन और इसके साथ साथ रूस के जो रिश्ते हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शी जिनपिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन आपको नजर आ रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री यहां पर नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है, भारत रूस सबसे अच्छे दोस्त है, ये भी यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज यहां पर नजर आ रही होगी, किस कदर उनकी बॉडी लैंग्वेज है, गले में लाल मफलर उनके है, और उनकी तरफ से देखिए कॉन्फिडेंस किस तरीके से नजर आ रहा है भरपूर तौर पर। और ब्रिक्स समिट पर ये हर एक तस्वीर सामने आई है, यहां पर लगातार ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज जो मुलाकात होने वाली है उससे पहले की जो तस्वीरें हैं उनके भी मायने हैं। ये तीनों जो बड़े नेता हैं, बड़े महाशक्तियां हैं, इसकी ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। तो ब्रिक्स समिट की शुरुआत कल से रशिया के कजान में हुई है, और उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई। अब आपको डिनर के दौरान की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कल दिन भर कजान समिट के बाद जब डिनर का वक्त आया तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बैठे नजर आए। आप देख रहे हैं ये तीनों ही नेता बगल बगल बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हल्की सी बातचीत भी हो रही है व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और खाने के टेबल पर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उस वक्त भी हल्की फुल्की बातचीत। अमूमन हम देखते हैं नेता जब ऐसे बैठते हैं तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आप तस्वीर देखिए, एक लाइन से शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और आप देखिए कैसे व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनसे। ये डिनर टेबल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और सबकी नज़रें इसलिए इस तस्वीर पर हैं क्योंकि लाइन से ये तीनों नेता, चीन के राष्ट्राध्यक्ष, रूस के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्राध्यक्ष, तीनों ही एक लाइन से बैठे हुए हैं। एक तरफ सामने जो कुछ चल रहा है उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वहीं एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हुए एक दूसरे को